दोस्तों, जब भी हम स्लैब डलवाते हैं तो दूसरे दिन आपने देखा होगा कि स्लैब के ऊपर छोटे छोटे क्रैक्स आते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। हालांकि क्रैक्स स्लैब पे होते हैं, पर दर्द दिल में होता है। आपको ये लग रहा होगा कि ठेकेदार ने या फिर गैंग ने कुछ गलत तरीके का मटेरियल तो नहीं इस्तेमाल कर लिया। तो ऐसी चीज़ें हमारे दिमाग में आती है, इससे कॉन्क्रीट के स्ट्रेंथ को कुछ इफेक्ट होगा या नहीं, ऐसे ख्याल हमारे दिमाग में आते हैं, जैसे कि मिक्स प्रॉपर हुआ या नहीं, उसके बाद में कॉन्क्रीट की क्वालिटी कैसी है, ये स्लैब ज़्यादा दिन तक चलेगा या नहीं चलेगा, या फिर ये दरारें जो है वो बढ़ने लगी, कुछ इस तरह के सवाल हमारे दिमाग में आ जाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको पहले ही वीडियो शुरू करने से बता देता हूँ कि छोटे छोटे क्रैक्स जो आते हैं, इससे आपके स्लैब को कोई ज़्यादा हानि नहीं होगी, और ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो कि अक्सर ही कॉन्क्रीट पर देखी जाती है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम कुछ चीज़ें जानेंगे, जैसे कि पहले ये कंक्रीट को क्रैक क्यों आते हैं, उसके बाद में क्रैक के कौन से टाइप्स होते हैं, और तो और इसके सॉल्यूशन के बारे में भी हम देखेंगे। जैसे कि प्रॉब्लम है तो उसके सॉल्यूशन के बारे में तो हमें देखना ही पड़ेगा, इसलिए हम आखिरी में उसके सॉल्यूशंस के बारे में भी देखेंगे। तो इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, इस वीडियो से आपके जो है सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का स्लैब अच्छा हो रहे तो डेफिनेटली ये वीडियो आपकी जरूर मदद करेगा। पर दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियोस के लिए इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर देना है, और आपके कोई सवाल हो तो आपको जरूर कमेंट करना। तो बढ़ते हैं हम हमारे टॉपिक की तरफ, कंक्रीट को क्रैक्स क्यों आते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने किसी तालाब में जब सूखा पड़ जाता है तो आपने देखा होगा कि उसमें छोटी छोटी दरारें पड़ जाती है, तो सिंपल भाषा में कुछ इसी तरह से होता है, जिसको कि हम आगे जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज ये हो जाती है कि कंक्रीट का सेट होना और उसकी स्ट्रेंथ गेन करना, ये होता है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट की वजह से, और जो सीमेंट का हाइड्रेशन होता है वो फास्ट हो जाता है जब हॉट वेदर होता है, और ये हाइड्रेशन जब स्टार्ट होता है तो ये जो है वो गर्मी रिलीज करता है, यानी कि हीट रिलीज करता है, तो इसकी वजह से जो है क्रैक्स दिखने लगते हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जनरली जब गर्मी का मौसम होता है तो ऐसे वक्त में जो है क्रैक्स ज्यादा डेवलप होते हैं ठंड के माहौल में। तो दोस्तों, हम जानेंगे कि क्या क्या टाइप होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि कंक्रीट पे क्रैक क्यों आते हैं। कंक्रीट में जो क्रैक्स आने के बहुत से रीजंस हैं, जैसे कि श्रिंकेज हुआ, उसके बाद में जैसे कि मैंने आपसे कहा दोस्तों कि उस पानी का कंटेंट जो है वो कम होने लगता है, यानी कि धूप, हवा और तो और जो हाइड्रेशन प्रोसेस है, इन तीनों के वजह से जो है वो वाटर लॉस होने लगता है, और जब भी वाटर लॉस होने लगता है तो ऐसे वक्त में वो जो पीछे छोड़ देता है वो क्रैक के छोटे छोटे वॉइड। तो ऐसे वक्त में होता यह है कि जैसे कि आपने देखा होगा दोस्तों, जब भी कंक्रीट का पूरा साइज होता है तो वो पानी के साथ होता है, जब पानी वहां से कम होने लगता है तो ऑटोमेटिकली जो है वो कंक्रीट जो है वो श्रिंक होने लगता है, सिकुड़ने लगता है, और ऐसे वक्त में जो है छोटे छोटे क्रैक्स डेवलप होने लगते हैं दोस्तों। तो इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं, ये कॉमनली क्रैक्स आते हैं। वैसे तो जनरली दोस्तों क्रैक्स आने के बहुत से रीजंस है, जैसे कि श्रिंकेज हुआ, उसके बाद में सेटलमेंट क्रैक हुआ, उसके बाद में प्री मैच्योर ड्राइंग क्रैक हुआ, उसके बाद में एक्सपेंशन क्रैक, उसके बाद में ओवरलोडिंग क्रैक्स, ये कुछ टाइप्स होते हैं। तो आप कहेंगे इतने सारे क्रैक्स हमारे घर पे आए, नहीं नहीं, तो कॉमनली तीन टाइप्स होते हैं। जब भी आप फ्रेश कंक्रीट कास्ट करते हैं तो ऐसे वक्त में जो आपका घर का स्लैब होता है उसके ऊपर कॉमनली तीन क्रैक्स आते हैं। पहला तो होता है प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक, उसके बाद में दूसरा होता है प्री मैच्योर ड्राइंग क्रैक्स, और तीसरा होता है सेटलमेंट, यानी कि सेटलिंग ऑफ कंक्रीट क्रैक्स। तो ये तीन कॉमनली टाइप्स आ जाते हैं, और नाम से कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कुछ ज्यादा मुश्किल चीज नहीं होती है, मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में बताता हूँ। पहली चीज हो जाती है प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक। अब प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक, जैसे मैंने आपसे कहा, जो कोई भी कंक्रीट का सरफेस होता है उसपे से जो है रैपिडली लॉस होने लगता है पानी का, क्योंकि मैंने जैसे आपसे कहा कि हाइड्रेशन प्रोसेस, उसके बाद में गर्मी और तो और हवा, इन तीनों की चीजों की वजह से जो है श्रिंकेज क्रैक्स डेवलप होने लगते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, कुछ इस तरह की छोटी छोटी दरारें जो होती है उन्हें हम कहते हैं प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक। तो ये कॉमनली आ जाता है दोस्तों। दोस्तों, आते हैं हम दूसरे टाइप की तरफ, जो कि है प्री मैच्योर ड्राइंग क्रैक्स। दोस्तों, इसमें होता है कि सीमेंट की पतली सी जो स्लरी होती है वो सरफेस पे आ जाती है, और सरफेस पे आने के बाद जैसा कि गर्मी और हवा की वजह से उसमें छोटे छोटे क्रैक्स आने लगते हैं, जैसा कि किसी टूटे हुए कांच या फिर जो कोई भी स्पाइडर का वेब होता है, यानी कि मकड़ी का जो जाला होता है, कुछ इस तरह के एकदम पतले पतले क्रैक्स जिसमें कि आपका बाल जा सकता है सिर्फ, कुछ इस तरह के क्रैक्स आपको स्लैब पे दिखाई देते हैं, जैसे कि आप अगले वीडियो में भी देख रहे हैं, यानी कि उसे हम कहेंगे प्री मैच्योर ड्राइंग क्रैक्स। क्योंकि होता है कि ऊपर की जो पपड़ी है वो जल्दी सूख जाती है, सिर्फ वो जो क्रैक्स होते हैं खाली जो आपकी जो स्लरी होती है उसके ऊपर होती है, ज्यादा गहरे वो क्रैक्स नहीं जाते। कभी कभी प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक्स में होता है कि वो थोड़े से गहराई तक जाते हैं, पर प्री मैच्योर ड्राइंग क्रैक्स जो होते हैं वो उतने गहराई तक नहीं जाते, वो जो होता है 5 से 6 mm तक ही सिर्फ नीचे चले जाते हैं, उससे आगे वो जाते नहीं। तीसरा क्रैक का टाइप ये है दोस्तों सेटलमेंट, यानी कि सेटलिंग कंक्रीट क्रैक्स। अब होता यह है कि कंक्रीट का वेट जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है दोस्तों, जब भी वो कंक्रीट का लोड ऊपर से आता है तो नीचे का जो शटरिंग वर्क होता है, यानी कि जो वर्टिकल सपोर्ट होते हैं, उनमें छोटा मोटा डिफ्लेक्शन आता है, यानी कि वो बेंड हो जाते हैं, अपनी जगह से थोड़ा बहुत खिसक जाते हैं। तो ऐसे खिसकने की वजह से जो है वो कंक्रीट जो है वो पूरी स्ट्रेंथ तो गेन नहीं की होती है, और ऐसे सेटलमेंट की वजह से भी उसके ऊपर क्रैक्स आने लगते हैं, जो कि थोड़े से बड़े होते हैं कंपेयर टू प्री मैच्योर ड्राइंग क्रैक्स। तो दोस्तों, ये कुछ क्रैक्स हो जाते हैं। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि अगर आपके घर के क्रैक जो है बहुत ज्यादा बड़े हो गए, जिसमें कि आपकी उंगली ही जाती है, तो ऐसे वक्त में आपको आपके इंजीनियर से सलाह जरूर कर लेनी है दोस्तों। पर अगर छोटे मोटे क्रैक्स है, एकदम नॉमिनल छोटे से क्रैक्स है, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं,
बहुत से सिचुएशन में होता है कि जब भी गर्मी का सीजन हो ज्यादा करके चांसेस होते हैं कि ऐसे सिचुएशन में आपके घर के स्लैब को क्रैक्स आते हैं, तो इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा है। तो दोस्तों ये तीन मेन टाइप्स हो गए जो कि आपको पता चल गए। अब चलिए इनके सॉल्यूशंस के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहला चीज ये हो जाती है दोस्तों, जब भी मैंने जैसे आपको कहा कि जनरली ये प्रॉब्लम जो होता है वो हॉट वेदर में होता है, पर अगर आप 40 डिग्री के ऊपर जाता है तो हम उसे हॉट वेदर कॉन्क्रीट कहते हैं। फिर भी आप क्या कीजिए, 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर आपके यहाँ पर टेम्परेचर जाता है तो डेफिनेटली आपको जो है छोटी मोटी चीजों का ध्यान जरूर रखना है। जैसे कि पहली चीज तो ये हो जाती है, जिस दिन भी आपका स्लैब होता है तो जब आप जहां पर भी आपका रॉ मटेरियल स्टोर कर रहे हैं, जैसे कि गिट्टी हुआ उसके बाद में रेती हुआ, तो वो छांव में आने चाहिए। और अगर आपके यहाँ पे ज्यादा भी टेम्परेचर है आपको जो है वो गिट्टी या फिर रेती के ऊपर हल्के हाथ से पानी मार लेना है। अब इसमें यह नहीं करना है कि आपको टेम्परेचर कम ही करना है इसीलिए जो आपका कंक्रीट मिक्स होगा उसमें बहुत ज्यादा पानी मिक्स कर दिया, ऐसा नहीं करना है। जो कोई भी मिक्स प्रोपोर्शन है उसी हिसाब से आपको पानी डलवाना है। पर आपको जो है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जो गिट्टी और रेती होगी उसको अगर आप छाव में स्टोर करेंगे तो ये आपके लिए अच्छी बात हो जाएगी, और हल्के हाथ से उसके ऊपर पानी मारेंगे तो डेफिनेटली उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। अगला पॉइंट इसमें यह है दोस्तों कि जब भी आप कंक्रीट कास्ट करते हैं तो 1-1.5 घंटे बाद, ऐसे वक्त में आपको क्या करना है, आपको हल्के हाथ से उसके ऊपर पानी मार लेना है। जैसे छोटी छोटी बारिश की बूंदे होती है कुछ इस तरह से आपको पानी मारना है, ये नहीं कि फुल प्रेशर से ही पानी मार देंगे। अगर आप फुल प्रेशर से पानी मार देंगे तो ऊपर का सरफेस का जो फिनिशिंग वाला कोट है वो पूरी तरह से निकल जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, हल्के हाथ से पानी मार लेना है, जितना पॉसिबल हो सके 2-2 घंटे बाद आपको उसके ऊपर हल्के हाथ से पानी मार लेना है, जिससे कि भी आपके क्रैक जो है वो कंट्रोल।